हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। एसएससी ने दोस्तों अपने नोटिफिकेशन को आउट कर दिया है 2022 में। दोस्तों एमटीएस पोस्ट पे यहाँ पे इन्होंने ढेर सारे पदों पर वैकेंसी निकाल दी है। एसएससी ने दोस्तों एमटीएस पोस्ट, हवलदार और यहाँ पे ढेर सारे पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो हर एक वैकेंसी के बारे में दोस्तों आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो वीडियो में बने रहें। चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जो ये नोटिस है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आपके इम्पोर्टेंस डेट कौन सी है, कि फॉर्म को भरने की स्टार्टिंग डेट क्या रहने वाली है, कब तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये दोस्तों 22 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर चलेंगे, आवेदन यहाँ पर चलेंगे। और आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगी अप्लाई करने की लास्ट डेट वो रहेगी 30 अप्रैल के। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 2 मई रहने वाली है। अगर दोस्तों आप ऑफलाइन चालान के थ्रू अपनी पेमेंट करते हैं तो इसकी लास्ट डेट है 3 मई। इसके अलावा दोस्तों लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक। बैंक के थ्रू अगर आप चालान पेमेंट करते हैं तो आपके जो लास्ट डेट रहेगी वो 4 मई रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई, अगर आप उसमें कोई करेक्शन करवाना चाहते हैं तो इसकी जो डेट दी गई दोस्तों 5 मई से 9 मई तक आपको डेट दी गई है करेक्शन करवाने के लिए। एग्जामिनेशन दोस्तों जो आपका होगा CBT एग्ज़ाम, ये जुलाई में कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो आपका सेकेंड एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको दोस्तों SSC के ऑफिशियल साइट को चेक करते रहना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं SSC ने यहाँ पे आपके मल्टीटास्किंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ और यहाँ पे हवलदार के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे दोस्तों वैकेंसी के नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात की जाए तो अभी दोस्तों MTS के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं बताई गई हैं। इसके अलावा दोस्तों CBICI और CBN के लिए हवलदार के लिए यहाँ पे 3603 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। इसके अलावा दोस्तों एनेक्सर 18 में दोस्तों आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई वैकेंसी के बारे में, तो उसके लिए भी यहाँ पे दोस्तों वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो वीडियो में बने रहें, क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, स्क्रीन क्या रहेगी, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। दोस्तों रिजर्वेशन दिया गया है, चाहे आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, एक्स सर्विस मैन है या ESM है, एक्स सर्विस मैन है, तो भी यहाँ पर आपको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा स्टूडेंट या ऐसा कोई व्यक्ति है जो PWD से कैटेगरी में बिलोंग करता है तो उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पे आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एब्रीवेशन यूज़ किए गए हैं कि किस वर्ड के यहाँ पर फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नेशनलिटी आपके इंडियन सिटीज़न होने चाहिए तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको पता है। इसके अलावा एज लिमिट की बात किया तो दोस्तों जो आपकी एज लिमिट होगी 1/1/2022 तक मानी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ऐसे स्टूडेंट जो हवलदार MTS पोस्ट में हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो CBN हो, CBN डिपार्टमेंट में अगर आप अप्लाई करते हैं MTS पोस्ट के लिए तो यहाँ पे उसके लिए एज लिमिट 18 से 25 साल दी गई है। ठीक उसी तरह दोस्तों अगर आप CBIC में हवलदार पोस्ट के लिए या फिर MTS पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो एज लिमिट दी गई है 18 से 27 साल होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एज रिलैक्सेशन भी चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है। जैसे अगर आप SC ST हैं तो यहाँ पे आपको 5 साल का मिल रहा है, OBC हैं तो 3 साल का, PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 10 साल का दिया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों नीचे यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं एक्स सर्विस मैन को भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। जब दोस्तों आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस कैटेगरी का यहाँ पे कितना रिजर्वेशन दिया जा रहा है, रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, तो इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने अपनी 10th क्लास कम्प्लीट की है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं MTS पोस्ट के लिए। इसके अलावा दोस्तों HR जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है इसके यहाँ पर डेट दी गई है गेजेट ऑफ इंडिया ऑल द डिग्रीज। अगर आप किसी आपके पास है कोई डिग्री है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन के वक्त दोस्तों यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा और दोस्तों आपके जो सभी डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट रहेंगे ओरिजिनल, वो आपको अपने साथ लेके जाने होंगे। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए कि किस तरह से आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको एक अलग सी सेपरेट वीडियो मिलने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताया गया है कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल साइट से दोस्तों SSC के ऑफिशियल साइट से ही आपको अपने एग्जामिनेशन फॉर्म या जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको फिल करना होगा। डॉक्यूमेंट की बात किया तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो फोटोज़ होगी वो 3 महीने बाद की नहीं होनी चाहिए, हाल ही में 3 महीने के अंदर ही आपने जो फ़ोटो खिंचवाई होगी उसके ऊपर डेट लिखी होनी चाहिए। और जो फ़ोटो का साइज़ होगा दोस्तों 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। 10.3 पॉइंट में दोस्तों आपसे ये कहा जा रहा है कि जो आप अपनी फ़ोटो या सिग्नेचर को अपलोड करेंगे तो वो ब्लर नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। अगर आपका कोई फ़ोटो अच्छी तरह से अपलोड नहीं होता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और लास्ट डेट दोस्तों आपको पता ही है 30 अप्रैल रहने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों आपको एडवाइस दी जा रही है कि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे ये ऑनलाइन ही फिल किए जाएंगे और लास्ट डेट से पहले आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात किया तो दोस्तों 100 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। SC ST PWD और एक्स सर्विस मैन के लिए दोस्तों यहां पे जो पेमेंट है वो 0 रुपये रहने वाली है। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी रहेगी उनके लिए यहां पे 100 रुपये फ़ीस रहेगी। दोस्तों जो ये पेमेंट रहेगी ऑनलाइन पेमेंट रहेगी और जो ऑनलाइन पेमेंट करने की जो लास्ट डेट दी गई दोस्तों ये 2 मई दी गई है। एग्जामिनेशन सेंटर की बात की जाए कि दोस्तों आपको पेपर देने कहाँ जाना होगा, तो यहाँ पे दोस्तों स्टेट वाइज और यूटी वाइज बताया गया है कि आपके जो स्टेट है उसका रीजनल सेंटर कहाँ पड़ेगा। जैसे बिहार एंड उत्तर प्रदेश है तो यहाँ पे आपका जो रीजनल सेक्टर होगा वो यहाँ पे बताया गया, जैसे भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, यहाँ पे नीचे आपको एड्रेस बताया गया राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे दिल्ली का एक बार चेक कर लेते हैं कि जो दिल्ली के कैंडिडेट्स होंगे उनका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो कहाँ लगेगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, दिल्ली, ये रहा दोस्तों दिल्ली में आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे वो यहाँ पे बताया गया है। देहरादून हो गया, हल्द्वानी हो गया, रोजरी दिल्ली हो गई, जयपुर हो गया, कोटा हो गया, यहाँ पे दोस्तों आपको राइट हैंड साइड में बताया गया कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो कहाँ पे आपको चूज़ करना होगा। इसके अलावा दोस्तों एग्जामिनेशन स्कीम की बात की जाए कि आपके एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम में किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके बारे में दोस्तों यहाँ पर आपसे बताया गया है कि आपके जो एग्ज़ाम होगा एग्जामिनेशन होगा इसमें किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा, कितने क्वेश्चन रहेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पर आपको दी गई है। जैसे दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका जो पहला एग्ज़ाम रहेगा CBT एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए, ये 4 टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला होगा आपका जनरल इंग्लिश, दूसरा होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस। 25-25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क्स के रहेंगे, जिनमें से टोटल आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 120 मिनट फॉर कैंडिडेट सिलेबस फॉर स्क्राइब सेट पर। और जो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो उनको 120 जो PWD की कैटेगरीज होंगे उनको 120 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन होंगे दोस्तों आपके मन में कि इस एग्जामिनेशन में क्या नेगेटिव मार्किंग है। हाँ दोस्तों इस एग्जामिनेशन में आपके नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, 0.25 मार्क्स आपके कम यहाँ पे काटे जाएंगे। और आपके जो CBT एग्जाम होगा दोस्तों ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन के दोस्तों यहाँ पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। जब दोस्तों आपका पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा तो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा जिसमें आपको एक एसे या निबंध लिखना होगा और वहाँ पे आपका दोस्तों एग्जामिनेशन में आपको पेन और पेपर लेके जाना होगा जिसमें दोस्तों आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस टॉपिक के बारे में लिखना होता है। इसके अलावा दोस्तों इन टॉपिक्स के सभी यहाँ पे आपको सिलेबस बताया गया, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है तो इनमें से आपसे किन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनियम्स हो गया या करेक्ट यूजेस हो गया, इन सभी के यहाँ पे आपसे रिलेटेड इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक इसी तरह दोस्तों न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, तो इनका यहाँ पे आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। ये तो बात होगी दोस्तों आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। अगर यहाँ पे दोस्तों ऐसा कोई कैंडिडेट है जो हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो यहाँ पे दोस्तों उसकी फिजिकल डिटेल दी गई है कि जैसे यहाँ पे जो कोई मेल कैंडिडेट है तो उसको 15 मिनट में 1600 मीटर की यहाँ पे वॉकिंग करनी होगी, फीमेल है तो उसको 20 मिनट में 1 किलोमीटर वॉकिंग करनी होगी। इसी तरह से दोस्तों आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे जो जो पोस्ट दी गई है उसको यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। ये थी दोस्तों SSC के एग्जामिनेशन नोटिस। आई होप
होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इस नोटिस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।